नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही थी। कुछ समस्याएं थी जिसके कारण मैं आपको वीडियो बनाकर नहीं दे पा रही थी, पर अब मैं उपस्थित हूँ। और जो हमारा वीडियो छूटा हुआ था प्रायदीपी पठार का, आधा वीडियो मैंने मतलब आधा भाग मैं आपको समझा चुकी थी और आधा मुझे आज समझाना है, तो वही वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आएंगे, इसके बारे में आपको मैं बता चुकी थी, जिसके अंतर्गत लगभग इतना हिस्सा, ये जो ऊपर रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी। यदि आप भूल गए हैं, गलती मेरी है, फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप दोबारा से पढ़ लें। और इसके आगे का भाग अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रायद्वीपी पठार को दो भागों में हमने बांट दिया था, एक केंद्रीय उच्च भूमि और दूसरा हमने दक्कन का पठार बांटा था। केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हमें पढ़ना है दक्कन के पठार के बारे में। जी, दक्कन का जो पठार है उसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आप सबका क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो अक्सर बच्चों के मन में आता था जब मैं अपने उसमें पढ़ती थी, मेरे भी आता था। देखिए, किसी किसी बुक्स में आपने देखा होगा कि पूर्वी पठार का उल्लेख भी मिलता है। तो पूर्वी पठार को अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि दो भागों में बांटा गया है, एक केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन का पठार। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि पूर्वी पठार क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्वी पठार में आपका छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और ये जो दंडकारण्य का पठार है, ये आपका पूर्वी पठार, क्योंकि ये कौन सी दिशा है, पूरब की दिशा है। और ये जो पठार है, देखिए आप किस दिशा में आ रहे हैं, ये जो है पूरब की दिशा में तो ये आ रहे हैं, ठीक है। ये तीन पठार जो है कौन कौन से, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य का पठार, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये हम इन्हें पूर्वी पठार के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये आपको पढ़ाया, छोटा नागपुर का पठार केंद्रीय उच्च भूमि में पढ़ा दिया और छत्तीसगढ़ का पठार भी मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, ये भी गलत नहीं है, अगर आप कोई कोई बुक्स उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह से मिल जाएगा। जैसे भी पढ़ना, आपको सिर्फ इनकी विशेषता, इनके बारे में पता होना चाहिए, चाहे आप उसे पूर्वी पठार के अंतर्गत पढ़ें या फिर आप उसे केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत पढ़ें, ठीक है। पता आपको इन पठार के बारे में होना चाहिए कि किस पठार में क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या यहाँ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैं आपको छोटा नागपुर का पठार और छत्तीसगढ़ का पठार पूर्वी पठार में पढ़ा चुकी थी। अगर पूर्वी पठार की बात करते हैं तो उसमें एक भाग आपका रह गया है, दंडकारण्य का पठार, जो मैंने आपको पढ़ाने को कहा था दक्कन के पठार में। तो पहले मैं आपको दंडकारण्य के पठार के बारे में ही बता देती हूँ, ताकि ये जो पूर्वी पठार की कॉन्सेप्ट है ये भी आप सबके क्लियर हो जाए, फिर चाहे आप दक्कन के पठार में दंडकारण्य को पढ़िए या पूर्वी पठार में। तो दंडकारण्य का पठार देखिए, ये जो भाग मैंने बना रखा है, आपको मैं ये काली पेन से ड्रा करके दिखा रही हूँ, ये भाग जो है वो कहलाता है आपका दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार? दंडकारण्य का पठार। और ये जो पठार है ये एक नक्सलवादी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? नक्सलवादी। इसका जो दंडकारण्य नाम रखा गया है वो क्यों, क्योंकि ये कहना चाहिए यहाँ पर दंड के तौर पर जो देना दिया जाता था वो इस जगह को कहा जाता था, इस वजह से इसका नाम है दंडकारण्य का पठार, ठीक। तो अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दंडकारण्य के पठार में, देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो हैं कुछ भाग दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो दंडकारण्य पठार का दक्षिण का हिस्सा है, इसको हम बस्तर का पठार भी कह देते हैं, ठीक है। जो दक्षिणी हिस्सा है, मतलब कि जो निचला हिस्सा है, इसको हम बस्तर का पठार भी कह देते हैं और यहाँ से हमें टिन धातु की प्राप्ति होती है, ठीक है। एक इस दंडकारण्य पठार के बारे में जो एक बात हमें और जाननी चाहिए, जो कि परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, कि इस पठार से ही इंद्रावती नदी निकलती है, जिसपे चित्रकूट जलप्रपात, अक्सर पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना है आपका इंद्रावती नदी पर। और किस क्षेत्र में है, किस पठार के अंतर्गत आता है, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत। और चित्रकूट का जो पठार है, इसको भारत का नियंत्रण का क्या कहते हैं, जलप्रपात भी कहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात जो है भारत का किसको कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। तो ये आपका दंडकारण्य पठार के बारे में इतनी बातें मुझे आपको बतानी थी। अब मैं अगर इस तरह से कहूँ कि आपका पूर्वी पठार भी कंप्लीट हो गया तो कोई गलत बात नहीं है, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे आज हमें पढ़ना है दक्कन का पठार, यानी कि जो ये निचला हिस्सा है, अब हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हमने दंडकारण्य का पठार पढ़ा दिया है, इसलिए अब हमें इतना भाग पढ़ना है, ठीक है। ये है आपका दक्कन का पठार, ठीक है। जो दक्कन का पठार पढ़ने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो दक्कन का पठार, यानी कि जो भारत का निचला हिस्सा है, इसे हमने तीन भागों में बांटा। कौन सा? दक्कन ट्रैप,
कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार। और जब मैंने आपको इसको दो भागों में विभाजित किया था भारत के प्रायद्वीपीय पठार को, तो दंडकारण्य का पठार भी मैंने इसी भाग में बताया था, लेकिन चूंकि अब मैं इसको पूर्वी पठार के रूप में मैंने आपको पढ़ाया, इसलिए इसको अब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो दक्कन का पठार है, यानी ये पूरा हिस्सा जो है ये त्रिभुज के आकार का, इसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। और दक्कन के पठार को पढ़ने के लिए हमने इसको तीन भागों में विभाजित किया, मतलब इसमें तीन भाग के तीन पठार सम्मिलित है। कौन कौन से? एक भाग कहलाता है आपका दक्कन ट्रैक, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। और ये जो पूरा पठार है ये कैसा है? ये एक लावा निर्मित पठार है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है। किस प्रक्रिया से निर्मित है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से, यानी ये जो पठार है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से। अगर प्रश्न पूछा जाए कि दक्कन का पठार किस प्रक्रिया से निर्मित है, तो आप बताएंगे ज्वालामुखी प्रक्रिया से। और ज्वालामुखी प्रक्रिया में ही तो लावा निकलता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकलने वाले लावा के ठंडा होने से इस पठार का निर्माण हुआ है, लावा के ठंडा होने से। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? तो अब हम एक एक करके इन पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा भाग है ये तो कहलाएगा दक्कन का पठार, और जो ये हिस्सा है ये कहलाएगा आपका दक्कन ट्रैप। क्या कहलाएगा? दक्कन ट्रैप। ठीक है, इस दक्कन ट्रैप को ही हम महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। ठीक है, दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार, दक्कन ट्रैप, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का पठार। इसे क्यों कहते हैं महाराष्ट्र का पठार? इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्कन ट्रैप का जो अधिकतर विस्तार है, ठीक है, वो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में, मतलब ये जो दक्कन ट्रैप है वो कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक विस्तार अगर किसी क्षेत्र में है तो वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, इसलिए इसे हम महाराष्ट्र का पठार भी कह देते हैं। अगर आप बुक्स उठाकर देखेंगे तरह तरह की, तो आपको कहीं कहीं महाराष्ट्र का पठार में भी बंटवारा मिल जाएगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो महाराष्ट्र का पठार है इसी को हम दक्कन का पठार कहते हैं। अब मैंने आपको बताया ये किन प्रक्रियाओं से बना है? ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं में क्या होता है? लावा निकलकर ऊपरी सतह पर आता है, ठंडा होता है, जिससे कि बेसाल चट्टानों का निर्माण होता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि बेसाल चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। ठीक है, बेसाल चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। ठीक है, और एक बात और, ये जो लावा है ये सीढ़ी के रूप में, मतलब सीढ़ी के रूप में जमा हुआ है, इसलिए मतलब इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसका जमाव जो हुआ है लावा की परतों का, वो इस तरीके से जमा हुआ है, इसलिए दक्कन ट्रैप जो है सीढ़ी नुमा आकृति लिए हुए है। ये इसकी एक विशेषता है कि दक्कन ट्रैप की अगर आकृति पूछी जाए तो वो सीढ़ी नुमा आकृति है, क्योंकि लावा जो है वो इस तरह परत दर परत सीढ़ी के हिसाब से जमा हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको क्या बताया कि बेसाल चट्टानें, और बेसाल चट्टानों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो होती है काली मिट्टी। मैंने कई बार आपको बताया है कि लावा के जमाव से जो मिट्टी निर्माण होती है उससे, मतलब लावा के चट्टानों से, लावा से जो वो बनती है चट्टानें, वो बेसाल चट्टानें, और बेसाल चट्टानों से जो मिट्टी बनती है वो है काली मिट्टी। ठीक है, तो यानी इस क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार मिलेगा? काली मिट्टी का। ये जो क्षेत्र मैंने बनाया है ये, ठीक है, मैं रेड पेन से बताती हूँ, इसमें आपको ज़्यादातर काली मिट्टी का विस्तार मिलेगा। और काली मिट्टी से, काली मिट्टी में आप खुद इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि काली मिट्टी में सबसे अच्छे कृषि किस चीज़ की होती है? तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को इसका उत्तर पता होगा कि काली मिट्टी में कपास की कृषि बहुत अच्छी होती है। किसकी? कपास की। ठीक है, क्लियर? यानी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस चीज की कृषि होती है? वो होती है कपास की। याद रखिए, दक्कन ट्रैप कहा जाए या महाराष्ट्र या गुजरात के क्षेत्र में अगर आपसे खेती पूछी जाए कि किस खेती का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो वो है कपास की। इसीलिए गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, ठीक, यानी सूती वस्त्र उत्पादन का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक, भारत का मैनचेस्टर। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सूती वस्त्र मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है अहमदाबाद में। ठीक है, क्वालिटी की बात करी जाए, मतलब उसकी अच्छाई, सबसे मतलब कहना चाहिए सबसे अच्छा जो है
सूती वस्त्र मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा अहमदाबाद में, यानी गुजरात के क्षेत्र में। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो वो आप बताएंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। और अगर उसके गुण, उसकी अच्छाई की बात करी जाए तो वो अहमदाबाद में, और अहमदाबाद ही भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये अहमदाबाद और महाराष्ट्र का क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? दक्कन ट्रैक में। और मैंने आपको बताया सूती वस्त्र वगैरह, और इस क्षेत्र से जो है आपकी गोदावरी और कृष्णा नदी भी निकलती है, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी इस क्षेत्रों से निकलती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इन्हीं क्षेत्रों में, ये जो दक्कन ट्रैप है इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? अजंता, सतमाला, हर्षचंद और बालाघाट। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो हमें दक्कन ट्रैप वाले हिस्से में मिलती हैं। लेकिन इन पर्वत श्रेणियों का अध्ययन हम जब घाट पढ़ेंगे, भारत के घाट पढ़ेंगे, उनमें हम विस्तृत रूप से बताएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा तो समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज हम सिर्फ पठार की बात करेंगे, और जिनकी पर्वत श्रेणियाँ जो भी हैं वो हम घाट वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो मैंने आपको दक्कन ट्रैप के बारे में बताया, आप बता सकती हैं कि दक्कन ट्रैप किन किन हिस्सों में पाया जाता है, दक्कन ट्रैप में किसकी कृषि होती है, और कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ये सब आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो कपास के अलावा खट्टे फल और क्या चीज आपकी तंबाकू की कृषि भी इन क्षेत्रों में होती है, ठीक। तो हमने पहला आपका पढ़ लिया दक्कन ट्रैप के बारे में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे क्या? कर्नाटक का पठार का पढ़ना है हमें, कर्नाटक का पठार। तो ये जो हिस्सा मैंने बनाया है ये है कर्नाटक का पठार। ये जो मैं इसको प्लस के साइन से कवर कर रही हूँ, ये आपका है कर्नाटक का पठार। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कर्नाटक के पठार को, ठीक, कर्नाटक के पठार को ये मैंने बनाया है इस तरीके से। देखिए कर्नाटक का पठार ये इस चित्र में आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है 500 मीटर की समोच्च रेखा है, ठीक, ये 500 मीटर की समोच्च रेखा है, जो कि समोच्च रेखा क्या होती है ये भी समझ लीजिए। समान दो स्थानों की जहां समान ऊंचाई होगी, मान लीजिए एक स्थान इधर है एक स्थान इधर है, पर उनकी ऊंचाई हर जगह जो है 500 मीटर इस स्थान की ऊंचाई है, 500 मीटर इधर वाले स्थान की, ऐसे यहाँ पर भी 500 मीटर ऊंचाई का स्थान है और यहाँ पर भी 500 मीटर ऊंचाई का स्थान है। इनको जो रेखा मिलाएगी उसको हम कहेंगे समोच्च रेखा, यानी समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। तो जो 500 मीटर की जो समोच्च रेखा है वो कर्नाटक के पठार को दो भागों में विभाजित कर देगी, ठीक है, दो भागों में विभाजित कर देती है। वो दो भाग कौन से हैं? मैसूर का पठार, और ऊपरी भाग जो है उत्तरी भाग उसे हम कहेंगे मैसूर का पठार, यानी ये भाग, और नीचे के भाग को हम कहेंगे बेंगलोर का पठार, ठीक, ये, ठीक, ये भाग हो गया आपका मैसूर का पठार, ये बेंगलोर का पठार। इसलिए इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। अब मैसूर के पठार से जो है एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी बहती हुई जाती है, और इसी में एक नदी मिलती है तुंगभद्रा नदी, ठीक, ये किस में है? मैसूर के पठार में। जब हम नीचे आते हैं बेंगलुरु के पठार में, तो यहाँ इस पठार से कौन सी नदी निकलती है? वो है आपकी कावेरी नदी, ठीक है। कर्नाटक के पठार क्लियर हुआ। कर्नाटक के पठार में ही आपने बाबा बुदान की पहाड़ियां पढ़ी होंगी, जिनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केंद्रमुख। और यहाँ से क्या प्राप्त होता है? यहाँ लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। कौन से अयस्क के भंडार? लौह अयस्क के, यानी कि कर्नाटक का जो पठार है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये बात क्लियर हुई। इसके और इसकी जो और पर्वत श्रेणियां वगैरह हैं वो तो हमने आपको बताया कि अगले वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। तो अब ये कर्नाटक का पठार क्लियर हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो है वो है तेलंगाना का पठार, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये जो है इन बिंदियों से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है तेलंगाना का पठार, ठीक है। देखिए तेलंगाना के पठार को हम आंध्रा का पठार भी कहते हैं। बहुत सी बुक्स में ये लिखा हुआ है आंध्रा का पठार। ऐसा क्यों लिखा हुआ मैं भी आपको, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आंध्रा का पठार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पठार है इसको बीच से निकलती है कृष्णा नदी। देखिए इस चित्र में आप देखिए, इसके बीच से निकलती है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी इसको दो भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। इस चित्र से आप समझ सकते हैं। तो जो ऊपर का भाग है ये कहलाता है आपका तेलंगाना का पठार, और ये जो नीचे वाला भाग है ये कहलाता है आपका रॉयल सीमा का पठार, ठीक। कौन सा पठार? रॉयल सीमा का पठार। और इनको कौन सी नदी काटती है?
वो काटती है आपकी कृष्णा नदी। ठीक, अब आप इतनी बात समझ गए होंगे, जो आंध्र का पठार, ये पठार है, इसको दो भागों में बांटती है कृष्णा नदी, यानी बीच से होकर निकलती है या, और ये जो है इसको दो भागों में काट देती है। जब इसको दो भागों में काटती है तो ऊपर वाला भाग कहलाता है तेलंगाना का पठार और नीचे वाला रॉयलसीमा का पठार। तो अब अगर हम इसे तेलंगाना का पठार कहें या आंध्र का पठार कहें तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, मैंने आपको हर तरीके से बता दिया। इतनी बात आप सबकी क्लियर हो गई। अब हमको आगे क्या पढ़ना है, इतना हमने सब पढ़ लिया तेलंगाना के पठार के बारे में भी। देखिए, अब पठार में हमारा जो बचा है वो बचा है आपका उत्तर पूर्वी पठार। ठीक, देखिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि मैंने आपको पर्वत चोटियों के बारे में नहीं बताया। मैं आपको पर्वत चोटियों के बारे में अगले वीडियो में, जो कि मैं घाट का वीडियो बनाऊंगी, भारत के घाट, उनमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इसलिए कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि इन पठार का निर्माण क्या, इन पठारों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मतलब इन पठार के बारे में मैं अध्ययन करना था जो हम आपको बता रहे हैं। तो अब हमारा ये दक्षिण का पठार यानी कि दक्कन का पठार जो है वो बता दिया मैंने आपको। अब जो पठार हमारा बचा है वो सिर्फ उत्तर पूर्वी पठार, यानी भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये असम मेघालय वाला जो क्षेत्र है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पठार है इसको हम क्या कहते हैं, मेघालय का पठार। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मेघालय का पठार। ओके, अब मेन चीज क्या है कि देखिए, ये जो है मेघालय का पठार और ये जो भारत का प्रायद्वीपी पठार की जो मुख्य भूमि है, ठीक है, ये जो है इस भ्रंश के द्वारा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया। तो ये जो गैप है, ये जो मैं ये इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं, मालदा गैप। ठीक है, ये जो गैप मैंने देखी, ये इससे ड्रॉ किया, ये है मालदा गैप। ठीक है, ये जो है ये हिस्सा, ठीक, ये सारा हिस्सा और ये भारत का पूरा, अगर हम देखें तो क्या ड्रा किया मैंने, ये भारत का प्रायद्वीपी पठार ड्रा कर दिया। ठीक है, तो भारत के प्रायद्वीपी पठार का ही हिस्सा ये भाग है, यहाँ का जो पठारी भाग है, ये जो पहाड़ियां इसमें पाई जाएंगी वो भी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। लेकिन जब जिस समय भारत के ऊपर वाले क्षेत्र का, मतलब हिमालय क्षेत्र का उत्थान हो रहा था, तो यहाँ एक भ्रंश का निर्माण हो गया, जिसकी वजह से ये जो है क्षेत्र, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है भारत की मुख्य, भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भूमि है, उससे ये अलग हो गया। ठीक है, और जब ये अलग हो गया तो इसमें बीच में क्या हुआ कि भ्रंश हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक गैप हो गया। ठीक है, तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप कहते हैं या मालदा गैप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। इतनी बात आप सबके समझ में आ गई। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है, इधर यहां पे देखिए, ये है राजमहल की पहाड़ियां यहां पर हैं, और ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर रखी है, ये है गारो, खासी, जयंतिया, और ये मिकिर और रेंगमा, ये पहाड़ियां। ठीक, ये है राजमहल की पहाड़ियां। तो यानी कि इस तरफ की पहाड़ियां जो है, ये जो झारखंड की साइड है, इसको हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां, और ये जो मेघालय के क्षेत्र में है आपकी गारो, खासी, जयंतिया, ये जो है इस तरफ की पहाड़ियां। ठीक है, तो मैं इसको आपको दूसरे चित्र से समझाती हूँ, जिससे आपको स्पष्ट से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो पहाड़ियां हैं हमारे उत्तर पूर्वी पठार की, ये पहाड़ियां कैसी हैं, कीपनुमा पहाड़ियां हैं। ठीक है, कैसी पहाड़ियां हैं, कीपनुमा। ठीक है, ये कीप जैसे आकार की बन रही है, ये इस तरीके से कीप जैसे आकार की पहाड़ियां हैं, और ये, ठीक, ये, ठीक है, दिख रहा है आप सबको, ये कलर थोड़ा सा कम चल रहा है, मैं इसको रेड कलर से बनाती हूँ तो आपको सही से दिखेगा। अब देखिए, ये इधर साइड है राजमहल की पहाड़ियां जो मैंने इधर ये ड्रॉ की थी, इसके बाद
आपकी ये श्रेणियां जो हैं, ये हैं आपकी गारो, खासी जयंतिया और ये है मिकिर और रेमा के पहाड़ियां। ठीक, इनके बीच में देखिए मैंने ये जो गैप ड्रॉ किया है, इस गैप को हम कहते हैं राजमहल गारो गैप। ठीक, ये जो गैप है इसको हम कहते हैं राजमहल गारो गैप। क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर साइड है राजमहल की पहाड़ियां और ये है गारो की पहाड़ियां और इसके बीच के गैप को इन्हीं के नाम से इसको नाम दे दिया गया राजमहल गारो गैप। ठीक, अब इधर से कौन सी नदी आएगी? आप जानते हैं कि असम के क्षेत्र से इस पूर्वोत्तर की सबसे मुख्य नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर की नदी है गंगा नदी, यानी इधर से गंगा नदी और इस तरफ से यानी कि असम मेघालय के क्षेत्र से जो नदी निकलती है वो है ब्रह्मपुत्र, वो इस गैप को भरने का कार्य कर रही है, मतलब अपने अवसादों को इन क्षेत्रों में भर रही है, धीरे धीरे इस गैप को जो है, ये जो गैप है ये कम होता जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुई। राजमहल की तरफ से गंगा और इसकी सहायक नदियां और इधर से ब्रह्मपुत्र यानी कि असम वाले क्षेत्र, मेघालय वाले क्षेत्र से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदियां इस गैप को, राजमहल गारो गैप को अपने अवसादों के द्वारा धीरे धीरे भर रही हैं और ये जो गैप, ये जो पैप है, ये जो है आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो। अब हम इन पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। तो ये है आपकी गारो, ये खासी, ये जयंतिया, ये है आपकी मिकिर और ये रेनमा। ठीक, अब अगर हम कहें कि हम इस वाले पठार को, ये जो मेघालय का पठार है, इसे हम दो भागों में बांट दें, एक आपका हो जाएगा शिलोंग का पठार और एक असम का पठार। ठीक, शिलोंग का पठार और असम का पठार। तो जो शिलोंग का पठार है उसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, कौन कौन से पठार मैंने बताया? एक बताया मैंने शिलोंग का पठार, शिलोंग या मेघालय का पठार। ठीक, एक ही बात है। ये हम के कौन सा पठार पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका असम का पठार। कौन सा? असम का पठार। मेघालय के जो मेघालय का पठार है इसमें जो कीपनुमा पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये जो हैं यहाँ की मुख्य पहाड़ियां हैं जो कीपनुमा है और इन किस भाग में है? शिलोंग। ठीक है, यानी मेघालय के पठार। अब गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नोक्रेक। कौन सी चोटी है? नोक्रेक, जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, गारो जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक, जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। इसकी विशेषता पूछा जाता है कि नोक्रेक जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है या फिर किस क्षेत्र में स्थित है, किस पठार में स्थित है। तो आपको इस तीनों के आंसर पता है कि गारो की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है, जो कि आपके शिलोंग के पठार में स्थित है या उत्तर पूर्वी पठार में स्थित। जैसा आपको ऑप्शन होगा वैसा आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, यह हो गया गारो के बारे में। खासी की क्या विशेषता है? खासी में दो भारत के सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? मानसिंराम और चेरापूंजी। सिमराम और चेरापूंजी, इसी खासी में जो है मानसिंराम और चेरापूंजी दोनों क्षेत्र किसमें है? मानसिंराम और चेरापूंजी। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ये है खासी पहाड़ी पर। और खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी या सर्वोच्च ऊंचा स्थान कौन सा होगा, मतलब सर्वोच्च स्थान कौन सा है? शिलोंग। यानी शिलोंग जो है वो भी आपका किस पर है? खासी, खासी पहाड़ियों पर ही शिलोंग स्थित है। ठीक, ठीक है, दीवा समझ में आए। जयंतिया पहाड़ी के बारे में कुछ खास बताने को नहीं है, इसलिए ना इससे इतना प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आती है मिकिर और रेंगमा। इन पहाड़ियों को मिलाकर कहते हैं असम का पठार, जिसको एक नाम से और जानते हैं, जिस उसको कहते हैं कार्बी एंगलोंग का पठार। किसका पठार? कार्बी। याद रखिएगा कार्बी एंगलोंग। कार्बी
का पठार, ठीक है, असम का पठार या फिर कार्बी एंगलोंग का पठार, ठीक। इसमें कौन सी पहाड़ियां, मिकिर और रेंगमा पहाड़ी, ये सब जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम रखे गए। किस नदी से निर्मित है सब, ये है आपके ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित, ठीक। कितनी बात क्लियर हुई। अब इससे एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आता है कि आपसे इस तरह से पूछ दिया जाता है कि गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं ये भारत की किस भूरचना से संबंधित है। और पहला ऑप्शन होता है हिमालय या तटीय मैदान, या फिर आपसे पूछा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हिमालय से इसका कोई संबंध नहीं है, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं जो कि इससे अलग हो गया। और किस गैप के द्वारा अलग हुआ वो भी मैंने आपको बताया, राजमहल गारो गैप, ठीक। ध्यान रखिएगा, राजमहल गारो से गैप से ये पर्वत श्रेणियां अलग हुई। कौन कौन सी, गारो खासी जयंतिया, यानी कि असम का पठार या कहें मेघालय का पठार कहें या फिर उत्तर पूर्वी पठार कहें, तो इससे अलग हुआ। और किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। इतना बात आपको क्लियर रखनी है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर बच्चे इसे हिमालय की श्रेणी में ऑप्शन में लगाकर गलत कर देते हैं। तो ये देखिए, अब आप, अब मुझे लगता है आपके बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने ड्रॉ की थी सबसे पहले, ये है कि गारो, ये है मेघालय का क्षेत्र, और ये खासी, और ये जयंतिया लास्ट वाली, ठीक है, और ये है मिकिर, और ये रेंगमा, ये असम के क्षेत्र में है, ठीक है। इसे कार्बी, अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कार्बी एंगलोंग का पठार जो है वो कौन सी किस पहाड़ियों से निर्मित है, तो आप बता सकते हैं मिकिर और रेंगमा। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि मिकिर और रेंगमा जो है वो हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निर्मित है या फिर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो आप बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो आज लगभग हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूरी पढ़ाई कर ली है, लेकिन फिर भी अगर देखिए, हम कितना भी पढ़े हैं पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमें सब कुछ आ गया, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। आप जीवन भर पढ़िए पर पढ़ना कम ही है, हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपको आती हो मुझे नहीं आती हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि मैं भी उन्हें जान सकूँ और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकूँ और प्रयास करूँ कि आप सबको भी और बता सकूँ। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ, और अगले वीडियो जो कि पश्चिमी घाट से संबंधित है मैं जल्दी लेकर उपस्थित होंगी, और उसी में जो है हम जो पर्वत श्रेणियाँ जो हमारा ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की छूटी हुई है इनको भी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।